को जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, कि वे आए और इस कार्यक्रम की प्रस्तावना को प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय इंद्र जी, नेपाल एम्बेसी से पधारे हुए डीसीएम सुवेदी जी, मेजर जनरल आर एन सिंह जी जो फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, श्री जसवीर जी जो जनरल सेक्रेटरी फ्रांस हैं, ब्रिगेडियर मनोज जी, रजनीश जी, अन्य सभी मित्रों, आगरा के अंदर इसके पूर्व सितंबर माह में 2019 एक विशाल कॉन्फ्रेंस हुआ था, हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह HHRS हर्ष के नाम से, जिसमें 37 देशों के प्रतिनिधि भी पधारे थे, 22 देशों से राजनयिक भी आए हुए थे। दो दिनों तक एक इस नए वैश्विक व्यवस्था जो भारत सेंट्रिक हो, इसके विषय में एक बड़ी चर्चा दो दिन तक चली थी। भारत सेंट्रिक होने का अर्थ दुनिया में अभी जो सामरिक दृष्टि से या व्यापारिक दृष्टि से दुनिया अभी गोलबंद हो रही थी, हम उस आधार पर नहीं। भारत सेंट्रिक का अर्थ जीवन मूल्यों के आधार पर, ज्ञान के आधार पर और संस्कृति के आधार पर दुनिया के अंदर एक भारत सेंट्रिक व्यवस्था भी खड़ी हो, और जो पहले थी ये कोई आज का नया विषय नहीं है, जो कभी पहले सदियों से एक लंबे समय तक भारत सेंट्रिक व्यवस्था दुनिया के अंदर खड़ी थी। हम उसका आज भले ही नाम हर्ष का दे रहे हैं, हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह, कभी एक विशाल जम्बूद्वीप आर्यावर्त और भारतवर्ष करके भी ये व्यवस्था खड़ी थी। आज हम जिस भारत में रहते हैं उस भारत के नाम पर एक भारत खंड भी हुआ करता था, जिसमें विश्व के अनेक सभ्यताएं, विश्व की अनेक समाज जुड़े हुए थे। वो कभी आर्यावर्त के नाम से भी पुकारे गए, जम्बूद्वीप के भी नाम से पुकारे गए। उसी व्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित करते हुए आज विश्व की अंदर जो समस्याएं खड़ी है, उन चुनौतियों का हम सामना कैसे कर सकते हैं। हमें ज्ञात होना चाहिए भारत के अंदर कभी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी, शारदापीठ, इस तरह के ज्ञान विज्ञान के विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें केवल भारत के विद्यार्थी नहीं थे, दुनिया के अधिकांश उस समय की जो दुनिया के अंदर यदि जहां की भी संस्कृति सभ्यता फली फूली थी, जहां पर भी मानव मूल्य उत्कृष्ट हुए थे, उन सारे जगहों के विद्यार्थी इन स्थानों पर आते थे और वे हमारी संस्कृति, हमारी जीवन मूल्यों को लेकर जाते थे, और एक भारत के साथ अनुनाश्रय संबंध उनका जीवन पर्यंत बना रहता था, अर्थात उस समाज का अनुनाश्रय संबंध जीवन पर्यंत बनता था। कालांतर में जिस कारण भी ये व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई होगी, परंतु छिन्न भिन्न किया भी गया है,
एक तो कालांतर में कुछ व्यवस्थाएं चलती है, चलते चलते थक जाती है, छिन्नभिन्न हो जाती है, परंतु एक नियोजित रूप से छिन्नभिन्न किया गया। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा, उसके बाद से फिर विषय पर आऊंगा। महात्मा गांधी 20 अक्टूबर 1931 को लंदन के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर भाषण कर रहे हैं। उस भाषण में उन्होंने दो बातों की बड़ी स्पष्ट व्याख्या की। विगत 100 वर्षों के अंदर भारत की साक्षरता समाप्त कर दी गई और इसके दोषी अंग्रेज हैं। उन्होंने एक ये शब्द कहा था कि 100 वर्षों के अंदर भारत की साक्षरता को कम किया गया और इसके कारण, इसके दोषी जो है ये अंग्रेज व्यवस्था है। फिर उन्होंने दूसरा कहा उसी में कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की जो जड़ें थी वो इतनी गहरी थी जिसको अंग्रेज सह नहीं पाए। हम एक उत्कृष्ट सभ्यता और संस्कृति के व्यक्ति थे, उस स्थिति को, उस यथा स्थिति को अंग्रेज बनाए नहीं रख सके, बल्कि उसका उन्होंने उन्मूलन किया। आगे कहते हैं उसकी जड़ों को उन्होंने खोदा, पहले मिट्टी कुरेदी, जड़ों को कुरेदा और फिर खुला छोड़ दिया और वो एक सुंदर वृक्ष मुरझा गया। ये महात्मा गांधी कह रहे हैं 20 अक्टूबर 1931 को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स लंदन के अंतर्गत। वे कह रहे हैं कि एक सुंदर वृक्ष जो है वो कुमला गया, जिसकी जड़ें खोद दी गई, जिसकी मिट्टी खोद दी गई और उसको खुला छोड़ दिया गया। ये बात अंग्रेजों को बड़ी चुभी और उस समय विभिन्न समितियों के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे, सर फिलिप्स होटांग और ढाका विश्वविद्यालय के वे वीसी भी थे। उन्होंने इसका प्रतिवाद किया, अंग्रेज सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होकर उन्होंने इसका प्रतिवाद किया कि महात्मा गांधी ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने ललकारा कि इसका कोई प्रमाण हो तो दें। महात्मा गांधी उस समय जेल के अंदर थे जब उन्होंने ललकारा और वो लंदन से वापस आने के बाद, और जो उनको संभव हुआ उन्होंने कुछ प्रमाण यंग इंडिया में दिया। और उसी समय महादेव भाई देसाई को उन्होंने कहा कि इस पर कुछ काम करो और होटांग को कुछ दो, परंतु उस समय बहुत सारे रिकॉर्ड नहीं थे। जो भी रिकॉर्ड थे वे अंग्रेजों के पास थे और वे डी क्लासिफाइड दस्तावेज नहीं हुआ करते थे। बाद में एक धर्मपाल करके बहुत बड़े गार्डियन हुए हैं, उन्होंने जो अंग्रेज, जो महात्मा गांधी ने कहा था द ब्यूटीफुल ट्रूथ, उसको धर्मपाल ने कहा द ब्यूटीफुल ट्रू ट्री, और उन्होंने इस पर एक बहुत अन्वेषण करके जब डी क्लासिफाइड दस्तावेज हुए हैं तो मद्रास के अंदर बैठकर, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में बैठकर उन दस्तावेजों का अध्ययन करके, और उन्होंने लिखा है द ब्यूटीफुल ट्री। तो उस ब्यूटीफुल ट्री तो उसमें वो तो बता रहे हैं कि आप उस समय, उस अंग्रेजों का दस्तावेज है, उस अंग्रेजों के दस्तावेज जो 1856 से लेकर और 1886 तक वे दस्तावेजीकरण किए गए हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत के अंदर जो 4 प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और इलाहाबाद, उन प्रेसिडेंसियों में 400 की आबादी पर एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे। अब ध्यान देने जो कि आज हम 70 वर्ष से स्वतंत्र जीवन, स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, नई व्यवस्था का अनुभव कर रहे हैं, आज भी 400 पर हमारे एक प्राथमिक विद्यालय नहीं। अंग्रेजी दस्तावेज कह रहा है कि 400 पर एक प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे। उन्होंने, अंग्रेजों ने एक दस्तावेज जो बनाया उसमें यह भी कहा है कि उन विद्यालयों के अंदर 6%
शिक्षकों की आबादी जो हमारे यहाँ डोम जाति कही जाती है उनकी थी, आज डोम के अंदर साक्षरता 6% नहीं। और उस समय शिक्षक जो देश के अंदर शिक्षक थे उसमें 6% आबादी डोम जाति की थी। एक साजिश के तहत एक सुनियोजित रूप से हमारे सुंदर वृक्ष को मुरझाया गया। अंग्रेजों के मन को ही चीढ़ रहती थी, वे सह नहीं सकते थे किसी के प्रभुत्व को, किसी के चमत्कार को, श्रेष्ठता को। तो उन्होंने इस श्रेष्ठता को समाप्त करने के लिए जो भारत की श्रेष्ठता थी, आर्यावर्त की श्रेष्ठता थी, इस हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह क्षेत्र की श्रेष्ठता थी, उसको दो हिस्सों में बांट दिया और कहा कि एक साउथ एशिया है, एक साउथ ईस्ट एशिया है। आज हम उसी को लेकर ढो ही रहे, जैसे हमारा कोई लगाव नहीं इन दोनों के बीच में। क्योंकि उस समय यूरोप की स्थिति यही थी, जब हमारे ऋषि वेदों के अंतर अमृतत्व की बात कर रहे थे, उस समय ग्रीस की सभ्यता अंगड़ाई ले रही थी। जब हमारे भूत धर्म चक्र का परिवर्तन कर रहे थे, उस समय जब हम एकता समानता इस तरह के धर्म चक्र का परिवर्तन कर रहे थे, उस समय जो है रोम की सभ्यता घुटनों के बल रेंग रही थी। तो हमारी श्रेष्ठता को देख बाद में हमारी श्रेष्ठता को देखने के लिए खड़े नहीं रहे, इसलिए हमको विभाजित किए साउथ एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। हमारे अस्तित्व को समाप्त करने के लिए एक योजना बनी, परंतु इन सारे क्षेत्रों के अंदर एक मन है, एक चित है। वो मन और चित जो है भारतीय मन और चित है, जो संस्कृति के माध्यम से इन देशों में गई। जिस समय पूरा यूरोप ईसा को सूली पर टांग रहा था, उनका अनुयायियों को नरक में झोंक रहा था, उस समय चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, कनिष्क, यशोवर्धन, राजेंद्र चोल के नेतृत्व में कारवां चलता था, जिस कारवां के अंदर व्यापारी होते थे, विद्वान होते थे, भिक्षुक होते थे, कलाकार होते थे। ये कारवां सुदूर पूरे दक्षिणापथ से लेकर उत्तरापथ तक, पूरे पूरब से लेकर पश्चिम तक जाता था। तलवार लेकर नहीं जाता था, विद्वान को लेकर जाता था, भिक्षुक को लेकर जाता था, मूर्तिकार को लेकर जाता था, कलाकार को लेकर जाता था। ये हमारी संस्कृति का एक वैश्विक संचार रहा है, पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तरापथ से लेकर दक्षिणापथ तक ये, और पूरे पश्चिम से लेकर पूरब तक ये कनिष्क, राजेंद्र चोल और सम्राट अशोक के बनाए हुए और समुद्रगुप्त के बनाए हुए सिल्क रूट हुआ करते थे, रेशम के मार्ग हुआ करते थे। ये रेशम के मार्ग का निर्माण करने वाले कनिष्क हैं, निर्माण करने वाले राजेंद्र चोल हैं, यशोवर्धन हैं। ये गौरव हमारा है, ये गौरव भारतीय संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति के संचार का है। आज इन्हीं विषयों को लेकर जिस समय पश्चिम अपनी आत्मागा में डूबा था, किसी होमर को लेकर, शेक्सपियर को लेकर, हमारे यहाँ तो मथुरा की कला मूर्ति बड़ी विराजमान थी। हमारे यहाँ जो है अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की कलाएं थीं। हमारे यहाँ कालिदास, बाणभट्ट ऐसे विद्वत्वेता थे, उनकी आत्मश्लाघा से पहले ही हमारे सारे चित्र हैं। तो आज इसी भारत के संचार को लेकर यह हर्ष का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया है, और आगरा के सहयोग को हम मानते हैं कि हर्ष को हर्ष के साथ निकट भविष्य में ही
पूरी क्षमता और विश्वास के साथ स्थापित करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।